हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। पूछ रहे होंगे ये फर्स्ट व्लॉग कैसे है। तो यार, मैंने सभी लोगों के यूट्यूब चैनल पे देखा है कि उनका फर्स्ट व्लॉग वो लोग ज़रूर डालते हैं। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी अपने मतलब यूट्यूब के बारे में, या के फर्स्ट व्लॉग भी बनाते हैं कैसे स्टार्टिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने कैसे स्टार्टिंग की है यार, तो मुझे कुछ भी ABCD नहीं पता थी, तो वो मुझे मिसिंग सा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यार माय फर्स्ट व्लॉग बनाया जाए, और वो भी अपने होम टाउन से। तो ये रहा मेरा सामने होम टाउन, ये मेरा गांव वाला घर है सकते हैं यार। ये हमारी पकरिया है सामने, ये सब हमारा बाग है, और यहाँ सामने लाई लगी हुई है। इधर आम वगैरह का पेड़ वेड़ हैं, बाकी वहाँ तक है सब काफ़ी दूर तक। तो उठाते हैं ट्रैक्टर और निकलते हैं सीधे खेत पे। और हमारी आयत बेटी कह रही है गाड़ी खोल दो, गाड़ी खोल दो, बैठूंगी मैं इसमें। क्यों भाई आरिफ? आयत की देखो ये कैसे ड्रामे कर रही है। भाई भी अलग है यार, बहुत तगड़ी लगती है मेरी जैन रोवर। आप लोग बताओ कैसी लग रही है आपको? तो इस पागर की यादें बताओ यार। इस पागर की यादें? हाँ, यहाँ पे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पे लबद्दा ताश खेलते थे, यहीं अंटे खेलते थे। और जब लबत्ता ताश खेलते थे तो हम लोग फुंची पे चढ़ जाते थे, फिर वहाँ से कभी कभार गिर भी जाते थे। मैं पहले दोपहर में सोता नहीं था, एक बार पागर पे से गिर गया, उस दिन से मैं सोने लगा दोपहर में, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था उस दिन। और ये हमारी बैठक है, ये हमारी बैठक है। जब बारिश होती थी तो हम यहाँ खेलते थे, और ये अब ईंटें उटे लग गई हैं, और ये गोबर की फार्मिंग वार्मिंग वगैरह हो रही है। तो यहाँ पे ये गोबर की फार्मिंग होती है, क्योंकि खाद हमारे भाई की दुकान है तो खाद ज़्यादा बिक रही थी, तो हमने सोचा इसकी कार्ड निकाल ली जाए। लाइन निकालने के चक्कर में ढेर लगा दिया। ये जो पाकर है, ये लगभग 100 साल हो गए हैं इस पाकर को, ज़्यादा ही हो गए, ज़्यादा ही हो गए। यहाँ से मेरी भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंचे वगैरह खेलते थे, और जो हमारे बड़े भाई हैं सुल्तान भाई, वो तो इतने कंचे खेलते थे कि उन्होंने पूरा एक पीपा भर रखा था। तो वो वीडियो देख रहा है मुझे पता है इस टाइम। तो भाई तुम ही बताओ कितना पिटते थे तुम यार कंचों के चक्कर में, कितने कंचे खेल। और झूठ बोल रहे हो? और क्या, और एक पीपा भर लिया था, एक पीपा भर लिया था भाई उन्होंने। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये जो रोड गया है, ये वाला ये रोड गया है इधर से, ये इधर से होके गया है, और उस मेन रोड से होके ये यहाँ पे आया है इधर को। तो हमारे पापा जो थे वो यहाँ से हरी संटी तोड़ के पेड़ पे से और सुताई लगाना स्टार्ट करते थे, तो घुमा फिरा के यहाँ पे लाते थे, यहाँ पे लाते थे। उसके बाद जब हम घर पे जाके कपड़े उतारते थे तब हमारी सिकाई होती थी, पड़ गई होती थी लाल लाल, हरी संडी कई टूट जाती थी हमारे ऊपर, और कभी कभी तो चुमटे फुकनियों से ही पड़ते थे। और फिर जब घर जाते थे तो अम्मी मारती थी। तो इस पिटाई से मुझे याद आया, तो पहले हम लोग छोटे छोटे थे, नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी, और ये लोग ज्यादा ही छोटे थे, तो मुझे सिर्फ गाड़ी चलाना आती थी। हमारी कहाँ खड़ी होती थी, हम कहाँ से लेके भागते थे? हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी होती थी, यहाँ खड़ी हो जाती ना, कि हम गाड़ी लेके चले गए थे, तो हम लोग मैच हो रहा था यहाँ पे पास में गांव में, तो हम मैच देखने रुक गए थे। घर वाले परेशान हो गए कि हम कहाँ चले गए, ये दोनों छोटे थे, मैं भी काफ़ी छोटा था। तो ताया साहब देखने निकले तो हम वहाँ पे खड़े हुए मैच देख रहे थे। तो हमने मैच चला था, टूर्नामेंट चलता था यहाँ पास में। तो एक बार लड़ाई हो गई वहाँ से, जब से बंद हो गया। तो हम जब वहाँ से भागे तो भाई साहब फिर ऐसा भागे थे, हम दोनों भागे थे खेतों भागे थे यहाँ सामने से। तो हम लोग जा रहे थे पीलीभीत की साइड कि मैं अब कभी नहीं आऊंगा, फिर मैं यहाँ पे कभी नहीं रुका यार। और छोड़ने ये गए थे भाई साहब हमें उसी दिन रात में, मैंने कहा रुकूंगा ही नहीं, तो फिर मैं रुका नहीं था। तो यार ये करीब 8th क्लास में था, तब की बात है। क्यों भाई? फिर बुढ़ापा आ गया, ट्रैक्टर वही बुढ़ापा आ गया। आपको ट्रैक्टर दिखा दिया खराब हो गया वरना वो लेके जाते। चलो दूसरा एक नया है तो देखते हैं यार, हो सकता है वही लेके जाएं, अभी कुछ कह नहीं सकते। रिजवान भाई ने हमारे बैटरा उतार के रख दिया है। रिजवान भाई बैटरा तक यूज उसका घर पे कर रहे हैं, इतना इस्तेमाल कर रहे हैं उस ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, उसके साथ बैटरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हिसाब है। तो आइए आपको ट्रैक्टर दिखाते हैं, एक ये खड़ा है, एक उधर खड़ा हुआ। ट्रैक्टर का गैराज है, गैरेज, ये ट्रैक्टर का गैरेज है। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा होता है, ये लिख ली भाई साहब, ये खड़ा हमारा ट्रैक्टर, और ये हो गया खराब। इसमें पता नहीं क्या हो गया यार, सही तो है यूज़ फ्री है, पकड़ के मैं चला देखता हूँ यहाँ चला। हाँ ये बहुत काबिल है, इससे हो जाएगा स्टार्ट है। सॉरी फ्री हो गया। हेलो हैं,
अरे हट, मुलायम हो गया पागल। ट्रैक्टर थोड़ा सना हुआ है, हम लोग मंगनी उनी में जा रहे हैं, हमारी खलेरी बहन की मंगनी है, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा घुमा दूं, क्योंकि ट्रैक्टर गंदा है, हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते बस, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं बस। अब क्या कर सकते, और क्या कह सकते हो तुम इसके अलावा, ना चलना है तो चलना ही है यार, लेकिन मंगनी में भी जाना है। लेकिन हूँ मैं वैसे हैवी ड्राइवर, तो अभी पता लगे कौन हैवी ड्राइवर है, तो जल्दी से करो गैरेज का गेट बंद। यार ट्रैक्टर था बहुत गीला, तो हमने सोचा अभी सूख जाए, तो इसलिए अभी हमने सूखने रख दिया है, उसको खड़ा कर दिया, सूखने के लिए खड़ा कर दिया सामने। तो अब हम वहाँ से फोन आ गया है, मंगनी में जाना है हमें, तो पहले हम लोग जा रहे हैं मंगनी में, उसके बाद जाएंगे अपने खेत पे। आज आपको अपना खेत वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो भाई फर्स्ट व्लॉग ही समझ लो इसको मेरा, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था कि फर्स्ट व्लॉग भी बनाया जाता है, कैसे व्लॉग बनता है, कैसे क्या होता है, कैमरे के सामने बोलना भी नहीं आता था मुझे। गाँव है वहीं जा रहे हैं, लोग आ चुके हैं दीननगर जहाँ पे मंगनी है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी प्रोग्राम निपटाते हैं, और भूख भी बहुत तेज लग रही है, फिर चलेंगे खेत पे ट्रैक्टर से, जो सूख रहा है हमने खड़ा कर दिया बाहर धूप में। अरे सारा प्रोग्राम तो निपट चुका है, बाकी सब्सक्राइबर ये सब बैठे हमारे सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर ये है हमारा भाई अहमद, सारी वीडियो देखता है, पता नहीं कुछ कह रही है मैंने सुना इनका तो पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है ये भी एक्सपायर होने वाले है। अरे नहीं यार, एक खांसी आ गई, दूर हट के बैठ भाई। अभी हम लोग मंगनी में से वापस आ गए हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया यार, पाँच बज गए हैं, हम लोग आए हुए हैं 12 बजे के, तो अभी यूसुफ आ जाए, फिर उसके बाद ट्रैक्टर सामने खड़ा हुआ है, इसको लेके हम लोग जाएंगे अपने खेत पे। और ये देखिए शाम के टाइम, देखिए लाई का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है घर के सामने। जो पड़ेगा ट्रैक्टर में तेल तो काफ़ी था, लेकिन और डाल ले रहे हैं, क्या पता कहाँ निकल जाए अभी और थोड़ा सा डालेंगे यूसुफ भाई पानी रेडिएटर में है, ये पड़ रहा है डीजल, इसमें इसका ढक्कन कहाँ गया, इधर से ढक्कन है ताकि देर ना लगा पानी डाल ले। अच्छी कार से वहीं पे चलाऊंगा ट्रैक्टर, क्योंकि फैमिली भी जा रही है हमारी सब, तो हमारे यूसुफ यारी में से एक लेके आएगा ट्रैक्टर, तो ठीक है मैं बैठता हूँ कार पे, तुम चलो ट्रैक्टर लेके ये और हम लोग आएंगे कार से, रिजवान भाई यूसुफ चला रहा है और शारोज भी साथ में, तो हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई है, तो हम भी चलते हैं अब। तो ये हमारे खेत की शुरुआत हो गई है यहाँ से, और ये जा रहे हैं यूसुफ भाई आगे, दांत दिखा रहे हैं कि चल रहा है यहाँ पे। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने खेत पे, ट्रैक्टर ये खड़ा है, लैंड रोवर ये खड़ी है, सामने हमारा खेत है और हमारे खेत के बराबर में ही कब्रिस्तान है, वहीं पे हमारे जितने भी अजीज, मैं खड़ा हूँ, हमारे अजीज अकारिब, जितने भी हमारे अजीज व अकारिब हैं, हमारे अब्बू की भी कब्र वहीं पे ही है। तो अब हम लोग गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं और अब हम लोग जाएंगे ट्रैक्टर से आगे घूमने, ट्रैक्टर तो चलाने को मिला नहीं यार, घर वालों ने भी ये सामने फोटो खींच रहे हैं, सब लोगों को आना था यार, कार से आना पड़ा, ट्रैक्टर लाने कोई फायदा ही नहीं लगा, चलाना ही नहीं आता है, इसलिए दिया ही नहीं ने घर वालों ने, ऐसा नहीं है, चला के दिखाऊंगा। मोड़ा किसने था अभी, मोड़ा का मोड़ा दिखा अभी, मोड़ा ने ये सब
वो दूर तक हमारे खेत है, वो सामने जहाँ तक नजर जा रही है, 5 एकड़ का खेत उधर भी है, तो अब वहाँ जा रहे हैं। चेक गाड़ी हमने लगा दी है थोड़ी नीचे खेत में को, क्योंकि यार चक्रोट है, कोई निकल उकल के जाएगा यहाँ से तो कैसे जाता है, ट्रैक्टर विक्टर आ जाता तो ठीक है, अब मैं चलाऊंगा ट्रैक्टर, मैं चलाना पड़ेगा तुम आते हैं। हाँ ऐसे ही लगता है, नहीं फंस गई, निकल जाएगी, रेंज रोवर है तो ठीक है, चला लो ट्रैक्टर, चला लेंगे, बैठे पायलट, पायलट बैठ चुका है, अब उड़ेगा ट्रैक्टर यहाँ से। अरे सब उतर गए डर के मारे, क्या चक्कर है? पता है ना उन्हें, हैवी ड्राइवर है। मैं ऊपर का हूँ, कैमरामैन भी आ चुके हैं ऊपर, भाई ने मुझे बिठा लिया है, भाई सही से चलाना यार, ठीक है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है। तो अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे वाले खेत पे, दूसरा वाला खेत तो ठीक है, अब चलते हैं वापस उसी जगह पे और गाड़ी उठाते हैं, सब लोगों को बिठाते हैं क्योंकि शाम हो रही है, और निकलते हैं फिर घर के लिए। तो अब हम लोग आ चुके हैं वापस जहाँ पे कार खड़ी थी, तो ट्रैक्टर लेके आ चुके हैं, तो यहाँ से निकलना है सीधे घर, निकलेगी है भाई। हाँ भाई निकल, भाई फोर नहीं है लेकिन किसी थार से कम नहीं है ये भी, बिल्कुल गड्ढे में से निकल के आई है। तो रिजवान भाई ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया, तो ठीक है चलते घर के लिए भाई, ऐसे कहते हैं, इसलिए हम लोग पहले आ गए, और ट्रैक्टर भी आ चुका है यार हमारा, वो सामने आ गया ट्रैक्टर। यूसुफ भाई वो आ रहे हैं पीछे खड़े होकर, रिजवान भाई चला रहे हैं, ये आ गए यूसुफ पार्टी। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये खड़ा हो गया ट्रैक्टर। हाँ भाई यूसुफ, जहाँ गाड़ी फंसी थी वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ट्रैक्टर से टो करना ही पड़ेगा, लेकिन गाड़ी में यार दम है, वाकई में ही दम है। मिलते हैं दादी से, और सबसे दादी वगैरह से भी मिलवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो ठीक है, घर जाके कर दूंगा इस ब्लॉग को मैं। मैं घर पे आ चुका हूँ, तो इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।